हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हर रोज़ मैं कहती हूँ ना, पापा के घर जाऊँगी, अब तक नहीं गई, आज जा रही हूँ फाइनली, इसलिए एकदम तैयार होके आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो चलिए चलते हैं, और थोड़ा इधर उधर जाना भी है, अगर हो सके तो फुटेज भी ले लेंगे। टाटा, चलती चलिए, जल्दी जल्दी चलिए। और पापा के लिए मैं कैडबरी ले ली। कैडबरी मिलते ही मेरे पापा का मुंह का खुशियाँ देखी, कितने खुश हो गए थे मेरे पापा। और मैं पहली बार जब 7-8 दिन बाद घर आई, कितनी
खुशी उनके मुंह में उनकी आँखों से छलक रहे थे। तो ये सब देखते ही ना मन एकदम खुशी से भर जाता है मेरा। और बच्चों की तरह देखिए कैसे कैसे शॉपिंग देख रहे हैं। एक्चुअली मैंने आज मेरे बेटे हस्बैंड और मेरे दो जेठ के लिए और मेरे पापा के लिए कुछ खरीदारी करने का सोच रही थी, पर वहाँ जाके देखा एकदम पावर कट हो गया है, ठीक से दिखाई भी नहीं पड़ रहा है, इसीलिए ज़्यादा फुटेज ले भी नहीं पाई, थोड़ा कुछ लिया और वही देख रही है। एकदम बच्चे की तरह बिहेव कर रहे थे, बातें कर रहे थे, जैसे कितने दिन देखे नहीं मुझे, कितने दिन। ये सब देखते देखते है ना मुझे कभी कभी मेरे माँ का भी याद आ जाता है। क्या करे, बहुत मिस करती हूँ मेरे मम्मी को। अब मेरा बेटा का हाल देखिए, उसे तो उसका टी शर्ट इतना पसंद आया कि वो अभी से ही पहन के देख रहा है। आप लोग भी कहना कि कैसे लग रहा था मेरा बेटा, देखिए उसे सब कुछ देख रहा है, कौन सा कंपनी का है, कैसा है, साइज क्या है, सब कुछ उसे देखना है। और मेरे पापा को भी देखना है। देखिए अगर मैं बोलूं कि पापा एक टी शर्ट पहनो, नहीं ये सब मेरे लिए नहीं है, ऐसा बोलेगा। तो देखिए पहन भी लिया, एक टी शर्ट के ऊपर ही और एक टी शर्ट पहन लिया ये। हम लोग बहुत सारे बातें की, बहुत दिन बाद बहुत अच्छा टाइम गुजारा। तो गाइस अब टाटा, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, ये साथ में पापा को भी। हाँ अब हम घर चलते हैं, ठीक कल सबको बाय कर दो। Bye. Good night. And please do like, share and comment and press the bell icon. It's okay.